हेलो स्टूडेंट, सो यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि पेपर किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो 3 घंटे हैं आपके पास और डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस आते हैं, तो किस ऑर्डर में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सत्य सर, क्या बताना चाहेंगे आप, दिस हाउ टू मैनेज दिस 3 आवर्स, कैसे 3 घंटे को मैनेज करें? सर, शायद बच्चे आप सोचता होगा हम अभी ये क्यों सुने, बिकॉज हाउ मच टाइम यू हैव प्रिपेयर्ड डजंट मैटर, how well you perform in the 3 hours matters, right sir? Like whether they may be preparing since 2 years or 1 year or 1.5 year, it doesn't matter, who cares about it? That 3 hours, how you are writing the exam, how many questions you are attempting, how well you are attempting, that is what matters. So mera hisab se sir main ye bol sakta hu, bacche generally every student will be doing this mistake, they will be somehow emotionally connected to some subject or some question. Ye sahi baat hai, by chance आपके फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं, हर स्टूडेंट के फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं और वो इससे इमोशनली कनेक्ट रहता है। हाँ सर, बाय चांस यू कुड नॉट बी डूइंग दैट फेवरेट क्वेश्चंस, फाइन, दैट इज ओके, बिकॉज यू हैव सो मेनी अदर क्वेश्चंस, आगे बढ़ो, डोंट बी बॉन्डेड टू एनी सब्जेक्ट और एनी क्वेश्चन, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट विल बी गिविंग यू यूनिफॉर्म वेटेज। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू कन्वे, एंड द सेकंड पॉइंट आई वुड लाइक टू कन्वे सर, व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर प्लीज try to make it in 3 cycles, the attempt should be in 3 cycles. See, sometimes what happens, many students will be telling this sir to me, many students, sir we could not read the 56th question to 65th question. Ye sahi baat hai, the last 10 question hum dekha bhi nahi, baad mein dekh ke hum regret ho gaye sir, wo bahut easy the sir. Correct. So this is very important. Yes. you might be getting stuck at 55th question only by the time the time is over, so it is very bad part, no? So try to attempt as many questions as possible, and for that sir will be giving one tip how you have to attempt in what way sir. So ab ye bhi acha point hai sir ka, ki aap matlab aapki reachability honi chahiye pure question paper ke upar, matlab aapko pura question paper dikhna chahiye, right? कि आपने ऐसा ना हो कि पूरा एग्जाम खत्म हो जाए और आप बाद में फाइंड आउट करें, अरे ये क्वेश्चन यहाँ पे मेरे से छूट गए हैं। right. ये नहीं होना चाहिए, और ये फिर लास्ट में थोड़ा हर्ट भी करता है इसके बाद कि क्वेश्चन छूट गए, आते थे बने नहीं। एक और छोटा सा जो वेटेज एनालिसिस है कि आपके 35 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क के हैं, दैट मीन 70% क्वेश्चन जो है वो आपके 2 मार्क में कंसोलिडेटेड है, 1 मार्क के लिए आपको मिलते हैं 30 मार्क्स। अब होता यह है जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप थोड़े नर्वस रहते हैं, और उस नर्वसनेस में क्या होता है, आपकी स्पीड स्लो रहती है। सो आपके लिए मेरा सजेशन यह है कि एक स्ट्रेटेजी है कि आप एप्टीट्यूड से शुरू करें क्वेश्चन जो है, और एप्टीट्यूड के बाद आप देखेंगे कि आपकी थोड़ी आप थोड़े से कंफर्टेबल हो गए। तो जैसे ही आप अगर एप्टीट्यूड आपने कर लिया, थोड़े सा आपको कंफर्टेबल लग रहा है, नर्वसनेस चला गया जो इनिशियल टाइम, उसके बाद आप मेरा सजेशन है कि आप 2 मार्क में जाइए। yes, वहां पे आप जो है मैक्सिमम स्कोर अगर अच्छा कर लेते हैं 2 मार्क के क्वेश्चंस में, तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो आपका बढ़ जाएगा, ओवरऑल मार्क्स आपके बढ़ेंगे। ये एग्जामिनेशन एक ऑप्टिमाइजेशन की तरह है कि आपको आपके ओवरऑल मार्क्स ऑप्टिमाइज करने हैं बाई अटेम्प्टिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन विच आर डूएबल। तो ये एक चीज हो गई। सेकेंड ये है कि कई बार होता है कि आप मार्क करना भूल जाते हैं, लेटर के लिए रख देते हैं, और ये लास्ट ईयर भी हुआ था मेरे साथ, 2-4 स्टूडेंट ने पूछा सर मैंने मार्क किया था लेकिन मैंने सबमिट नहीं किया था, उसके क्या मार्क्स मेरे को मिलेंगे? ठीक है, नहीं मिलेंगे। तो अब आप इस चीज में ना पड़े कि मार्क करना, आप अगर श्योर है तो मार्क कर दें, और लेटर आप ये याद रखें कि आपने मार्क किया है रिव्यू के लिए, मार्क फॉर द रिव्यू ऑप्शन रहता है उसमें, तो वो आप जरूर उसको क्लिक करके सबमिट करना ना भूलें। ठीक है, लेकिन बाद में अगर वो कंसिडर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है देन वो आपके लिए फिर अगेन मार्क्स जो है आपके कम हो जाएंगे। जी जी, तो ये 2 चीजें इसमें याद रखें। एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ जी सत्य सर, बताइए। स्टूडेंट्स, एक पॉइंट एक है, सी व्हेनेवर यू आर राइटिंग द एग्जाम व्हाइल इन द मिडिल ऑफ द एग्जाम, कभी कभी क्या होता है सर, फर्स्ट 15-20 क्वेश्चंस somehow I am unable to do well. तो मैं सीधा एग्जाम हो गया, रिजल्ट भी आ गया जैसा सोच के, अरे मेरा रैंक गया। राइट राइट, ऐसा सी निगेटिव किया जाता है। जब लड़ते वक्त आप रिजल्ट के बारे में मत सोचना। करेक्ट, लड़ो आप पहले। सो वाइल राइटिंग द एग्जाम डोंट प्रेडिक्ट द रैंक। सी इफ इट इज ईजी फॉर यू, इट इज ईजी फॉर एवरीबडी। इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू, डिफिकल्ट फॉर ये सबसे बड़ा पॉइंट। ये तो नॉर्मलाइज्ड
स्कोर है भाई, राइट, नॉर्मलाइज स्कोर है, हाँ हाँ, रैंक भी वैसे आएगा आपको. सो यू फील सम क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी, यस राइट. सो प्लीज बी कॉन्फिडेंट दैट यू आर डूइंग वेल इन द एग्जाम, एंड वाइल राइटिंग द एग्जाम प्लीज डोंट थिंक ऑफ द रिजल्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज इट अफेक्ट्स यूर कॉन्फिडेंस लेवल्स. ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है सर आपका, कि पेपर अगर इजी है तो सबके लिए है, पेपर अगर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है. तो आपको वही है कि पेपर को जज नहीं करना है, आपको अगेन फिर से वही बात कि ऑप्टिमाइज करने हैं अपने मार्क्स थे, जितने मैक्सिमम मार्क्स आप फेच कर सकते हैं वहां से फेच करने की कोशिश कीजिए. लेकिन और आप अगर बीच में नर्वस होते हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर जाएगा. तो पूरी तरह से रीच कीजिए, पूरे टॉपिक, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सभी टॉपिक को इससे गो थ्रू कीजिए, एंड जितना आप कर सकते हैं मैक्सिमम अटेम्प्ट उसको अटेम्प्ट कीजिए. एक अच्छे से पॉइंट आप निकाले थे सर, मैं उसको थोड़ा एलाबोरेट करता हूँ. डियर स्टूडेंट्स, डोंट सिट इन द एग्जाम हॉल बाय एक्सपेक्टिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन. डोंट एक्सपेक्ट लाइक द क्वेश्चन वुड बी टफ, द पेपर वुड बी टफ और द पेपर वुड बी इजी. डोंट गो विद दैट सच काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, जस्ट गो विद द ओपन माइंड. So that every question that you look at, read the question well. This is a very, very important point. Sometimes in the hurry, due to pressure, kya hota? You will be overlooking at the question, overlooking at the question. And that could be which is not true, but you might be thinking it is which is true. Yes. So the point is, please read the question carefully. Oh, this is what we say, active reading, not passive reading. एक चीज आप और नोटिस करना कि आप जो है, आप देखो क्वेश्चन आपको, आप जब पढ़ेंगे तब आप फॉर्मेटिंग में थोड़ा ध्यान देना, करेक्ट इनकरेक्ट राइट ट्रू फॉल्स, ये सभी बोल्ड में वहां पे लिखे रहते हैं. तो अब ये चीजें जब आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि बोल्ड करके दिया हुआ है क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट ट्रू फॉल्स दिया रहेगा, फॉल्स आप ट्रू करके टिक कर, तो ये जो चीजें वो एग्जाम में आप फॉर्मेट नोटिस कीजिएगा क्वेश्चन का, उसमें ये मेंशन पूरा मेंटेन रहता है क्या ट्रू है क्या फॉल्स. यस. And guys, please do habituate virtual calculator. This is very important point. One more point. Because you might be thinking, I am good at maths. I can do these kind of calculations on my fingertips. But see, it is human tendency to commit some calculation errors, mistakes. So why unnecessarily you take a chance? When there is a provision of virtual calculator, better go and use it. But before you use it directly, if you use on the date of exam, it would be difficult to operate it. इसीलिए जब आप मॉक टेस्ट लिखते वक्त हैबिचुएट, आदत करो उसको, वर्चुअल कैलकुलेटर को आदत करो, ठीक है. और एक एमसीक्यू और एमएसक्यू और एनएटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप वहां पे थोड़े से चांस ले सकते हैं. टेक द एडवांटेज ऑफ इट कि वहां पे नेगेटिव मार्किंग, पार्शियल क्रेडिट भी नहीं है लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है एमएसक्यू और NAT में, तो डेफिनेटली आप वहां पे अपने चांस ले सकते. आई थिंक दीज आर इनफ टिप्स वी हैव गिवन सत्य सर. यस यस. सो बेस्ट ऑफ लक एंड वी कंक्लूड इट हियर, एंड जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिए. ऑल द वेरी बेस्ट डियर फ्रेंड्स. ऑल द वेरी बेस्ट.